हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद सुधा। और आज है बथुआ की रेसिपी, बथुआ का सूप जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। चीनोपोडियम एल्बम इसका इंग्लिश में नाम होता है। बाथू जो विंटर सीजन में पाया जाता है, लीफी वेजिटेबल है, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन पाया जाता है, B6 पाया जाता है। और अगर किडनी में आपके स्टोन है तो उस समय भी डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप बथुआ की साग रेसिपी लें। तो बथुआ को अगर सूप में लेते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके हेल्थ के लिए। तो बहुत इजी बनेगा और विंटर सीजन में आप इसे, जब भी पूरे विंटर सीजन में बथुआ मिलता है तो आप इसे इस तरह से सूप रेसिपी में बना के यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसे सूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सूप भी बनता है। तो इसमें और कैसे चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं और इसकी सूप रेसिपी बना लेते हैं। जो मैं इस चैनल पर सूप रेसिपी जितनी भी डालती हूँ तो ये नंबर 7 है सूप, बथुआ की सूप रेसिपी। तो जो ये हाईटेक हॉट मेट के हेल्प से मैं इस सूप को बनाती हूँ, तो ये जो मशीन है इसी में ये ग्राइंड होता है, इसी में बॉयल होता है। मुझे कुछ भी अलग से कुकर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर उसे ठंडा करें, फिर उसे ग्राइंड करें, तो इसके थ्रू ही मैं बनाती हूँ। तो जितनी भी मेरे इस चैनल पे सूप की रेसिपी है इसी के थ्रू मैं बनाती हूँ। तो इसका लिंक भी मैं दे देती हूँ, अगर आप खरीदना चाहें अमेजन से खरीद सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो इसे कुकर भी बना सकते हैं, उसके ऑप्शन भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आप बथुआ को और सारी जो इसमें मैं पोटैटो डाल रही हूँ बथुआ के साथ, एक छोटा सा आलू डाले, 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आप 2 मुट्ठी फ्रेश धुला हुआ साफ बथुआ ले लें और बाथू ले लें, और एक छोटा सा आलू ले लें मीडियम साइज़ का, एक छोटा सा टमाटर ले लें, उन सबको एक साथ उबाल लें, ठंडा कर लें, पीस लें। और फिर उसके बाद वापस आप उसी पानी में डाल के, जैसे बथुआ में, जैसे सूप इसमें बन रहा है, और बटर, काली मिर्च, नमक, चीज़ वगैरह डाल के आप इसे उसी तरह से बना सकते हैं कुकर और नॉर्मल जो ग्राइंडर मशीन आपके घर में होती है, तो आप कुकर कढ़ाई में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसमें दिखा रही हूँ इसमें कैसे वर्क करता है, इस मशीन का प्रोसेस कैसे है, वो मैं इसमें डिटेल देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और पूरा रिव्यू इस मशीन का मेरे फर्स्ट सूप रेसिपी मशरूम सूप में है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, तो आप उस वीडियो में देखेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने इसमें बताई है। वैसे मैं मोस्टली सारी डिटेल हर वीडियो में बता देती हूँ, तो फिर भी आप उसको देखना चाहें तो वो वीडियो का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप चेक कर सकते हैं जाके। तो फिलहाल तो अभी हम सूप रेसिपी बना लेते हैं बथुआ की। इंग्रेडिएंट्स फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने फ्रेश बिल्कुल अच्छे पत्ते ले लिए हैं बथुआ के, जिसे मैंने तोड़ के पत्ते, और इसमें थोड़ी मोटी डंडियाँ भी ले सकते हैं क्योंकि सूप में ग्राइंड ही हो जाता है, और मैंने सिर्फ अभी पत्ते लिए हैं। तो 2 मुट्ठी आप ले लें या 1 कप ले लें, और 4 लोगों के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा टमाटर जा रहा है, लाल टमाटर, एक छोटा सा आलू। तो आलू को स्किन के साथ ही, यानी कि छिलके के साथ ही मैं इसमें ग्राइंड करूँगी। तो जो ठंडियों में नए आलू आते हैं उसे आप इस तरह से छिलके के साथ ही ले सकते हैं। और यहाँ पे इसे रिच फ्लेवर देने के लिए, एक मिनट, थोड़े से काजू डाल रही हूँ। तो 4 लोगों के लिए है तो 5 से 6 आप काजू ले सकते हैं। और यहाँ पे 2 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। यहाँ पे जो आइस के क्यूब्स आते हैं आप वो ले सकते हैं, 2 बड़े चम्मच। और यहाँ पे मैं ये चीज़ स्लाइस मेरे पास पड़ा है तो इसका आधा ही लूँगी 4 लोगों के लिए, नहीं तो अगर आप ज़्यादा चीज़ डाल देते हैं ना तो जो बथुआ हम डालेंगे उसका फ्लेवर तो वो दब जाएगा, चीज़ का ही फ्लेवर आएगा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ ना डालें, सिर्फ इसका हाफ स्लाइस ही डालूँगी मैं इसमें। और बटर थोड़ा सा जाएगा, 1 टीस्पून आप पूरे कुकिंग के टाइम डाल सकते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 कॉफ़ी मग पानी डालें भर के अच्छे से, तो उसमें आपको 4 लोगों की क्वांटिटी मिल जाती है, क्योंकि बथुआ भी उसमें ग्राइंड होता है, टमाटर आलू ग्राइंड होता है, इससे क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो 2 से 2.5 कॉफ़ी मग आप डाल सकते हैं। नमक जाएगा स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा स्पाइसी की नस के लिए थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर जाएगी। तो बस सारी चीज़ें यहाँ पे हमने रख ली है इकट्ठी करके, इसे डाल देते हैं मशीन में, सूप मेकर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो ग्लास जार है टफन ग्लास जार है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है, हीट प्रूफ है। तो ये इसका लिड है, जब इसमें हम लिड फिक्स करते हैं और लॉक करते हैं तभी ये मशीन स्टार्ट होती है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स आप एक साथ डाल दें और 15 मिनट में आपकी सूप रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। 15 मिनट आप कुछ भी काम एक्स्ट्रा और अपना डिनर का काम या कुछ भी शाम का, इवनिंग का, नाइट का काम कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें आप डाल के ऐड करके रख दें और फिर लास्ट में जब ग्राइंड करके देता है और इसका प्रोसेस ख़त्म होता है तो एक बीप की आवाज़ आती है और आप कहीं भी हो आपको पता चल जाएगा कि आपका सूप रेडी है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें काजू डाल देंगे,
लहसुन डाल दिया है, आलू भी ऐसे ही डाल दें। इसकी ब्लेड जो है बहुत शार्प होती है, तो सारी चीज़ें कुक होके इसमें ग्राइंड हो जाती है। नमक डाल दें, आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दें, और इसमें हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे आप काली मिर्च पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, या फिर काली मिर्च का स्पाइसीनेस आप कितना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। बटर डाल दिया थोड़ा सा, चीज़ स्लाइस या चीज़ क्यूब इसकी जगह पे डाल सकते हैं, थोड़ा सा ही डालें। पानी डाल देंगे, आपके पास अगर फ्रेश क्रीम पड़ी है तो वो भी 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं, इसका फ्लेवर रिच आएगा, टेस्ट अच्छा होगा, सभी पीना चाहेंगे। तो 2 कॉफ़ी मग मैंने यहाँ पे डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा और डाला है। तो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी है, बस इसका लिड लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ये पैनल दिया होता है जिसपे सारा मेन्यू फंक्शन होता है, तो यहाँ पे वेजिटेबल फ्रूट का जूस बनाना चाहे, सोया मिल्क पेस्ट बनाना चाहे, मिल्क शेक बनाना चाहे, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। और यहाँ पे सूप का ऑप्शन है, तो पहले हम ये स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, तो 00 टाइम आया है अभी, सूप पे क्लिक करेंगे तो 15 मिनट का टाइम आता है, यानी कि ये 15 मिनट में आपको सूप बना के तैयार करके दे देगा। तो 15 मिनट का आ गया, फिर स्टार्ट का, तो स्टार्ट का ये जो बटन है टच वाला है, तो बस टच करना है हमें, वापस करके दिखाते हैं। 15 मिनट आया, स्टार्ट किया हमने, इस तरह से स्टार्ट करने पे रोटेट होना शुरू होता है, कुछ टाइम इस तरह से रोटेट होता है, बॉइलिंग होती है, फिर कुछ 2 से 3 मिनट के बाद 15 मिनट शो होना शुरू होता है। तो सारा प्रोसेस दिखाती हूँ, जैसे ही बॉयल होगा वो भी दिखाती हूँ, लास्ट में 4 बार, लास्ट के 4 मिनट में 4 बार ग्राइंड करके आपका सूप तैयार हो जाता है। तो लास्ट के जो 4 टाइम्स ग्राइंड होगा वो दिखाती हूँ, और बॉयल जो होगा वो दिखाती हूँ। यहाँ पे अब 15 मिनट शो हुआ, तो बैक काउंटिंग शुरू हो गई है, तो 14 मिनट सेकंड शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से ये पूरा टाइम कंप्लीट होगा, 15 मिनट में आपका सूप बन के तैयार हो जाएगा। तो लास्ट के जब 4, 4.5 या 5 मिनट पे शुरू हो जाता है इसका ग्राइंडिंग, फर्स्ट ग्राइंडिंग लास्ट का जब 5 मिनट होता है, तो एक बार ये ग्राइंड कर चुका है आप देख सकते हैं, और बस ये 15, 14, 12 और 4 मिनट बचे हैं, तो 3 से 4 बार और ग्राइंड होगा ये, और आपका सूप तैयार है। तो बस लास्ट वाला ग्राइंडिंग आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये लास्ट ग्राइंड भी कर चुका है, और यहाँ पे 00 टाइम हो गया है, टाइम ख़त्म, और आपका सूप तैयार है। थोड़ा सा जब ग्राइंड होता है तो ऊपर से थोड़ा सा झाग फेन इस तरह से दिखाई देता है, बस कुछ 1 मिनट के बाद ये सेटल हो जाता है, और आपका क्रीमी सिल्की सूप तैयार मिलता है। तो बस यहाँ पे सूप तैयार है, गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेते हैं। तो बिल्कुल 4 लोगों के लिए परफेक्टली बना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही सर्व कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है 4 लोगों के लिए। तो बस हल्का सा इस पे डाल देंगे बटर, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी इसमें जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी मिलाते हैं सूप में वो मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी वेजिटेबल कोई भी सूप बनाते हैं तो आप उतनी क्वांटिटी डालें कि आपका सूप उसी वेजिटेबल के साथ ही थिक हो जाए, अलग से कोई कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो बिल्कुल कलर टेक्स्चर इसका लुक और क्रीमी और सिल्की बना है, और बहुत ही बेनिफिट है बथुआ का सूप, बिल्कुल आप पूरी ठंडी बना के पी सकते हैं। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरे इसी चैनल पर सूप की, वो भी आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चों को दीजिए, ग्रोइंग एज बच्चों को दीजिए, आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है उनको दीजिए, उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होगा, वो स्ट्रांग होगा, और सर्दी खांसी जुकाम में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बिल्कुल पूरी ठंडी बनाइए और एंजॉय करिए सूप रेसिपी को।
तो आप भी बनाइएगा इस सूप को पूरी ठंडी। और कैसी लगी आपको मेरी ये सूप रेसिपी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलती हूँ किसी नए सूप रेसिपीज के साथ या किसी नए वीडियोज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।